एशिया कप में विराट कोहली यूज करेंगे सोने का बल्ला। चौंक गए, देखिए बल्ला तो इंग्लिश विलो वुड का होगा, लेकिन इसे सोने का बल्ला क्यों कहा जा रहा है आखिर, उसके बारे में बताएंगे आपको इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। आप सभी जिस तरह से जानते हैं, एशिया कप का पाकिस्तान का मुकाबला अब सिर्फ कुछ ही दिनों की दूरी पर है और उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में एक ही खिलाड़ी का नाम आ रहा है। यहां से नाम सामने आता है विराट कोहली का। हालांकि इस समय ये चर्चा जरूर है कि विराट कोहली की फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आप सब जानते हैं विराट कोहली का बल्ला T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के सामने कुछ खास ही बोलता है। जहां विराट कोहली ने अभी तक पाकिस्तान के सामने 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, उसके अंदर 77 से भी ज्यादा का एवरेज है विराट कोहली का। जहां कुल मिलाकर 7 मुकाबलों में 311 रन बनाए हैं, उसके अंदर 78 का सर्वाधिक स्कोर है। 7 में से 3 बार तो विराट कोहली वापस पवेलियन ना बाद लौटे थे, उसमें से 3 बार अर्धशतक आया है। ये जो बताते हैं आंकड़े कि विराट कोहली का बल्ला T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के सामने कुछ ज्यादा ही बेहतरीन बोलता है। जब अगर हम उठा लें 2011 के T20 वर्ल्ड कप को, जहां सारे भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप गए थे, वहां एकमात्र विराट कोहली थे जिनके बल्ले से अर्धशतक आया था। 57 रनों की वो बहुमूल्य पारी आई थी। अब आप सभी को बताते हैं 28 अगस्त को मुकाबले में विराट कोहली सोने का बल्ला आखिरकार किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। जिस तरह हम सब जानते हैं विराट कोहली MRF का बैट यूज करते हैं, और साथ ही में ये खबरें सामने आ रही हैं जहां पर सूत्रों के हवाले से इस खबर को भी माना जाए कि विराट कोहली इस बार एशिया कप में MRF का स्पेशल गोल्ड एडिशन लिमिटेड बैट यूज कर सकते हैं, जिसकी तस्वीर इस समय आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जरूर इंतजार रहेगा भारतीय फैंस को, बल्ला भला सोने का हो भला लकड़ी का हो जैसा मर्जी हो, बस विराट कोहली के बल्ले से रन आए, रनों की बरसात हो जिस भी अंदाज में आए। भारत जरूर चाहता है जो पाकिस्तान से पिछले साल 10 विकेट से करारी हार मिली थी, उस हार का बदला लेना चाहता है भारत। और अगर वो हार का बदला विराट कोहली के बल्ले से रनों के आने के बाद होता है, उससे ज्यादा बेहतरीन मंजर शायद किसी भी भारतीय फैन के लिए नहीं होगा। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बाबर आजम, विराट कोहली आपके अकॉर्डिंग कौन है सबसे बढ़िया बल्लेबाज?